अंसारी का वक्त हो चुका है, इसलिए मैंने ढोल बजाया था उठाने के लिए। मुझे तो नहीं लगता। नयान खुद ही सुन लो, बाहर ऐलान हो रहा। कहाँ ऐलान हो रहा? ये सुनो फिर। ए रोजादारो, आना नबी ने पारो, हिम्मत ना हारो, तुम उधर ठंडे पानी के छट्टे मारो। अफ्तारी का वक्त है, मैं सिर्फ 15 मिनट बाकी है। ये क्या, ये अफ्तारी का वक्त है? ओ लगता है कारी साहब को भी रोजा लग रहा है, इसलिए इस वजह से ना गलत ऐलान हो गया। कारी साहब से पूछ ले। नहीं पूछेंगे तो उन लोगों को और रोजा लग जाएगा, फिर वो पानी के लिए तोड़ लेंगे। कारी साहब सही ऐलान करने वाले हैं, आराम से सुनिए। ए रोजादारो, अल्लाह नबी ने प्यारो, हिम्मत ना हारो, मुंह तो ठंडे पानी से छट्टे मारो। सारी का वक्त होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। हाँ जी जी, हाँ जी। अलान दोबारा समाज फरमाए, रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, हाँ हाँ। रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, हाँ हाँ। सहरी का टाइम होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं, खाने का बंदोबस्त कर लें। बच्चू खाने का तो इंतजाम हो गया, अब इसे पकाने का इंतजाम किया गया। मैं भी तांगुत को बुला के लाता हूँ। तांगुत भाई, हाँ जी, नया बना रहा है आपको। हाँ जी, जल्दी से इस मुर्गी को जिबा करके लाओ, इसका खून ना निकले। बच्चू भाइयों को रस्सियाँ लेके आओ, ये बहुत बड़ी मुर्गी है, ये नहीं होनी यार। नोयान हमने मुर्गी का तो बंदोबस्त कर लिया, अब दही चाहिए। बाचू गेहूं की दही वाली दुकान का पता है? यस। जाओ दही लेके आओ। नोयान कितने का लाना है दही? बाचू 30 रुपए का ले आओ, बहुत है। जी हुजूर, माफी ले। तमाम अहबाब शहरी में शिरकत फरमा कर पेट भर कर जाएं। शुक्रिया। आप खाना दही ले आए हैं, मुर्गा भी पकने को है, तमाम लोग भी आ चुके हैं, वो टी के लिए बेबर तैयार है, उनको खाना दे दिया जाए, बुलाया जाए। सबको खाना लो, सबको खाना दो। हुक्म रमजान आया।